Good morning to all, dear student. Today we are going to start our chapter number 1, that is French Revolution, as per our revision work for our half yearly exam. ये chapter already आप लोगों को PDF के व्यू से, YouTube वीडियो के व्यू से पहले ही समझाया जा चुका है, बट आज हम लोग इस chapter का thoroughly revision करेंगे. तो ध्यान से इस वीडियो को देखोगे एंड सुनोगे. जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ आप लोग अपना क्वेरीज भेज सकते हैं, बट पूरी वीडियो देखने के बाद. सबसे पहले चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग ये समझते हैं कि रिवॉल्यूशन है क्या. रिवॉल्यूशन का दो मतलब होता है, या दो तरह से हम लोग इसको समझते हैं. एक तो जनरल टर्म्स में, दूसरा किसी रूल्स के कंटेक्स्ट से या फिर रूलर के कंटेक्स्ट में. अगर जनरल टर्म की बात करें तो एक सडन चेंज होता है किसी चीज़ को ऑप्टेन करने के लिए. जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था सीरियल्स एंड क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. तो ये इन जनरल टर्म्स हम लोग समझते हैं, बट इन रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है अ फोर्सिवली ओवरथ्रोन ऑफ अ गवर्नमेंट और अ सोशल ऑर्डर इन फेवर ऑफ अ न्यू सिस्टम. किसी नए सिस्टम के फेवर में, या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के फेवर में, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के फेवर में, जब लोग किसी गवर्नमेंट, किसी दूसरे गवर्नमेंट को, प्रीवियस गवर्नमेंट को, या फिर डिक्टेटर गवर्नमेंट को, डिस्पोटिक रूल को फोर्सिवली, फोर्सिवली कहने का मतलब है प्रोटेस्ट करके या फिर उसका विरोध करके, अपोज करके, रिवोल्ट करके, जब लोग उसको हटाने की कोशिश करते हैं या फिर ओवरथ्रो करते हैं, हटा देते हैं एंड नए गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन. तो ये रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में. तो रिवॉल्यूशन का दो मतलब, इन जनरल टर्म्स एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूल्स. फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ था. क्यों हुआ था? ऑब्वियस होता है हर जगह कहीं पे भी रिवॉल्यूशन हुआ है तो वो या तो रूलर्स लेथार्जिक हो या इनफिशियंट होगा, या तो वो डिस्पोटिक होगा, डिक्टेटर होगा, या फिर कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट मोनार्कियल हेड होगा. मोनार्कियल बेस्ड होने का मतलब है कि उस राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा. इट मीन्स अगर उसका बेटा उस लायक नहीं भी है या फिर वो उस काबिल नहीं है कि वो राजा बन सके, फिर भी उसके बेटे को राजा बना दिया जाता है. क्यों? बिकॉज देयर आर इन सच टाइप्स ऑफ कंट्रीज मोनार्कियल रूल ओवरऑल. कुछ एग्जांपल से समझते हैं. फ्रांस में डिस्पोटिक रूलर 1789 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो लुईस 16 के अगेंस्ट हुआ था. फिर लुईस 16 के बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया, वो भी लोगों का पहले सिंपैथी गेन किया एंड फिर वो भी डिस्पोटिक रूलर हो गया, खुद के फ़ायदे के लिए, खुद के ट्रेजरी को भरने के लिए और अपने लग्जरियस लाइफ के लिए. तो उसका भी फिर अपोज किया गया. उसी तरह से रशियन रिवॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे जार निकोलस टू का लोग अपोज किए थे. जर्मनी में रिवॉल्यूशन का बात करेंगे तो लोग हिटलर का अपोज किए थे. एंड सेम रिवॉल्यूशन अब हम बात करते हैं अपने कंट्री की, जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था वो हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स भी जो थे उनका जो पॉलिसी था वो था एनेक्सेशन पॉलिसी, जो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. लैप्स मीन्स किसी चीज़ को एनेक्स करना, कैप्चर कर लेने का पॉलिसी. तो ये था लॉर्ड डलहौजी का, जो कि एनेक्सेशन पॉलिसी था. एक एक करके रूलर के एरिया को एक्वायर किया जा रहा था या फिर कैप्चर किया जा रहा था, या फिर कह सकते हैं कि एनेक्स कर लिया जा रहा था. तो वहाँ पे, यहाँ पे भी, इंडिया में भी रिवॉल्यूशन हुआ था. किस चीज़ के लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने के लिए, पूरी तरह से ओवरथ्रो करने के लिए. एंड फाइनली ओवरथ्रो हुआ 1947 में. तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जैसे काउजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन काउजेज क्या था. तो जनरली अब एक चीज़ और समझा देते हैं कि जब भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए किसी चीज़ का काउजेज, तो याद होगा 1857 के रिवोल्ट में भी आपने पढ़ा था सोशल काउज, पॉलिटिकल काउज, इकोनॉमिक काउज, इमीडिएट काउज एंड मिलिट्री काउज एंड रिलीजियस काउज. ये हम लोग पढ़े थे इंडिया में 1857 के रिवोल्ट में. तो तीन तो कॉमन होता है, सोशल काउज, पॉलिटिकल काउज, इकोनॉमिक काउज एंड इंटरमीडिएट काउज.
सॉरी इमीडिएट काउज, इमीडिएट कहने का मतलब है कि अचानक से जिस चीज़ के लिए लोग बहुत मतलब सडन वे में या एट रेंडम कह सकते हैं लोग अवेयर हो गए और उसके प्रति लोग अपोज करना शुरू कर दिए, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, देन इट इज़ कॉल्ड इमीडिएट काउज। तो ये चार तो हर जगह होगा, हर रिवॉल्यूशन में सोशल सोसाइटी होगा, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स होता है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक कंडीशन हर कंट्री का होगा, एंड इमीडिएट काउज अचानक से रिवॉल्यूशन अकड़ होने का कारण। चार याद हैं, बाकी सारे कंट्री में वो अलग अलग होगा। जैसे हम लोग चार काउजेस सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड इमीडिएट काउज, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक्स्ट्रा है वो है इंटेलेक्चुअल काउज, जिसके जगह पे हम लोग इंडिया में पढ़े थे मिलिट्री काउज एंड रिलीजियस काउज। नेक्स्ट इज, जब लुईस 16 को लोग हटाना चाह रहे थे तो उसकी जगह किसी ना किसी को रूलर बनना होता, कोई ना कोई वहाँ पर आता रूल करने के लिए, एंड उस समय मौका का फ़ायदा कौन उठाया, वो था रॉबर्सपियर, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर, एंड मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर के बाद नेपोलियन बोना पार्ट। मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर के गवर्नमेंट को हम लोग रेन ऑफ टेरर भी कहते हैं। क्यों रेन ऑफ टेरर कहने का था, रेन मतलब होता है साम्राज्य किंगडम एंड टेरर मीन्स डर, तो वो डर का साम्राज्य था, मतलब लोगों के ऊपर वो डर बना कर रखा था, लोगों को पूरी तरह से लोगों के ऊपर हावी हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि लोगों को पूरी तरह से अपने वश में करके रखा था, या फिर लोग उसका अपोज नहीं कर सकते थे। क्यों तो कुछ ऐसा वो हैरेसमेंट पॉलिसी लाया होगा, कुछ ऐसा उसके पास पनिशमेंट होगा जिसके वजह से लोग काफ़ी डरे हुए थे, जिसके कारण से लोग उसका अपोज नहीं करते थे। बट इससे पहले जब मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर फ्रेंच गवर्नमेंट का रूलर बना था, तब वो काफ़ी पोलाइट था, क्योंकि उसको लोगों का सिंपैथी गेन करना था। जैसे हमारे यहाँ भी जब इलेक्शन का टाइम होता है तो बड़े बड़े नेता जो होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव, बड़े बड़े वादे करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं कि आपके सोसाइटी में ये चेंजेस होगा, आपके लोकेलिटी में ये होगा, ये बदलाव करेंगे और वो डेवलपमेंट होगा। बट जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेम एज इट इज़ रॉबर्सपियर का भी था, जर्मनी में हिटलर भी, एंड नेक्स्ट रॉबर्सपियर के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तब वो भी। लोगों के सिंपैथी को, लोगों के इफेक्ट अट्रैक्शन को गेन करने के लिए लोगों के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट देना शुरू किया, या फिर लोगों को बहुत सारी फॉल्स प्रॉमिसेस से उलझा कर रखा ताकि लोग उसको अपने गवर्नमेंट में लेकर आएं। तो इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट में सिर्फ इतना ही समझेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो ध्यान से देखेंगे। उस वीडियो में इसके बाद का पार्ट हम लोग शुरू करेंगे, काउजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रेन ऑफ टेरर, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर का गवर्नमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड नेपोलियन बोना पार्ट। इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर हम लोग चलेंगे रशियन रेवोल्यूशन में। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।